तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपके रेफरेंस गलत हो गए, होता है ना जब आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को फॉर्म फिल कर रहे होते हो या उनकी वेबसाइट पे जाके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड आप डेटा फिल कर रहे होते हो, उस केस में अगर आपने किसी का रेफरेंस दिया, मान लो आप मैनेजर का हो सकता है रेफरेंस दो, आप एचआर का हो सकता है रेफरेंस दो, हो सकता है आप अपने किसी यार फ्रेंड का आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दो रेफरेंस के थ्रू। तो देखो दोस्त, जैसे होता क्या कि अगर आपने सपोज किसी फ्रेंड का रेफरेंस दिया, आज आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फिल किया, मान लो वॉट एवर टाइम है 5-6 बजे आपने भरा उस पर, और इसके बाद क्या हुआ कि 8 बजे, क्योंकि आप जब उस पर भर देते हो तो आपको वो उस टाइम के लिए वो ब्लॉक हो जाता, फिर आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। तो उसके बाद होगा कि मान लो सपोज अगर 2 घंटे बाद आपका आपके फ्रेंड से कुछ झगड़ा हो गया, हो सकता है मैनेजर से कुछ पंगे हो गए, तो उस केस में क्या रेफरेंस जो दिया वो ख़राब हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, वो रेफरेंस जो लेते हैं, आपने 3 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर डाला, आपने मैनेजर का डाला, तो रेफरेंस वो सिर्फ इस वजह से लेते हैं, वहाँ से सिर्फ वो जनरल चीज़ें पूछते हैं, आप कब से उनको जानते हो, बंदा कहाँ का है मे भी ये पूछ लें, और उसका बिहेवियर कैसा है, काम कैसा करता है, ये कुछ नॉर्मल चीज़ें वहाँ पे पूछते हैं। तो कई बार होता है कंपनी से फीडबैक आपका अच्छा नहीं मिलता, हो सकता है आपके फ्रेंड से फीडबैक अच्छा नहीं मिला, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी। 50% चांस होते हैं कि वो कॉल करेंगे, 50% चांस ना के बराबर होते हैं। तो किसी के रेफरेंस के बिहाव पे किसी की जॉब वहाँ पे नहीं जा सकती है, इससे आप बिल्कुल माइंड फ्री हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का रेफरेंस दे दिया और कुछ पंगे हो गए हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वहाँ पे रेफरेंस फ्री आप हो सकते हो, वहाँ पे आप माइंड फ्री हो सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट हाँ, आप कोशिश करो कि आप जो भी रेफरेंस उनको दे रहे हो वो रेफरेंस एक बेहतर कॉलिग्स हों, बेहतर टीममेट्स हों, या एक अच्छे आप फ्रेंड्स हों, सिर्फ उन्हीं का रेफरेंस हम देते हैं ताकि वो आपके बारे में एक अच्छा फीडबैक दे जाए और वहाँ पर वो प्रॉब्लम ना हो। अगर इनकेस कभी ऐसा होता भी है कुछ भी है तो आप उनसे बात करके उनसे चेंज भी कर सकते हो। सकता है कई बार होता है कि आपके टीममेट्स, मैनेजर या कॉलिग्स या फ्रेंड्स कॉल पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आपको बताना पड़ता कि भाई कॉल आएगा ये। तो आप चाहो तो किसी और का भी रेफरेंस दे सकते हो जिसको आप बता दो कि हाँ वो एक सेंसिटिव बंदा है, सीनियर बंदा है, अगर उसको मैं एज ए मैनेजर अपना रेफरेंस देता हूँ तो वो हाँ हैंडल कर लेगा। तो आप किसी और का भी रेफरेंस वहाँ पर दे सकते हो, बट ये नहीं होता है क्या अगर आपने रेफरेंस गलत डाल दिया तो उसके बिहेव पे आपकी जॉब चली जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।